दोस्तों आपको यहाँ पे विक्स की एक खाली डिब्बी लेनी है और इसके दोनों साइड के लेबल मैंने उतार दिए हैं। आप वैसे पानी की बोतल के दो ढक्कनों को भी आपस में जोड़ के बना सकते हैं, लेकिन इनका एक अलग ही फायदा है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हमें इन दोनों के सेंटर में एक होल करना है। आप किसी नुकीली चीज से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आयरन की मदद से करूंगा जो कि गर्म है और इससे जल्दी ये काम हो जाएगा। ओके, तो ऐसा करने के बाद हमें जरूरत पड़ेगी एक डीसी मोटर की, और आप ग्लू गन की मदद से या फेविक्विक की मदद से इसको चिपका देंगे। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां से ये लीकेज ना करे। और जैसा कि मैंने एक साइड को यहां पे चिपका दिया है, अब हमें इसके अंदर का रोटर ब्लेड बनाना है। ब्लेड बनाने के लिए हम पानी की बोतल का ही अगेन एक कैप यूज करेंगे और इसके बीच में हम एक होल कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि होल आपको ज्यादा बड़ा नहीं करना है, और ऐसा करने के बाद इसके बीच के एरिया को हम कट करके निकाल लेंगे। कट करने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अब हमें फिर से बोतल के एक ढक्कन का यूज करना है। इसके ऐसे आपको टुकड़े काट लेने हैं और फेविक्विक की मदद से आपको चिपका देने हैं कुछ इस तरीके से। आपको 5 से 6 टुकड़े चिपका देने हैं, जैसे आपने वाटर पंप्स में पढ़ा होगा। इस तरीके से ये हमारा रोटर ब्लेड बन चुका है। अब हमें इसको इसके अंदर फिट कर देना है। जो हमने होल किया था दोस्तों, वो यहाँ पर काम आने वाला है, और इस होल की कैलकुलेशन आप पहले भी कर सकते हैं कि इसमें फिट होता है या नहीं। ओके, अब ये अच्छे से इसमें फिट हो गया है। इसका बड़ा फायदा दोस्तों ये है विक्स की डिब्बी का कि हम इसे बंद और खोल सकते हैं, लेकिन बोतल के ढक्कनों को हम एक ही बार में चिपका देंगे। इसके ऊपर दोस्तों फिर से हमने एक होल कर लेना है, और जहां से हमारा पानी निकलेगा बाहर, इन सबको एक सेपरेट जगह पर अटैच करने के लिए एक प्लाई बोर्ड का यूज करना है। और आपको सारे के सारे हिस्से, यानी कि बैटरी, ऑन ऑफ स्विच, डीसी मोटर, आपको ग्लू गन, फेविक्विक, डबल टेप, जिस चीज से भी आप चिपका सकते हैं अच्छे से इनको चिपका दें। उसके बाद दोनों होल्स में आपको पाइप लगा देना है। मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन मास्क का पाइप यूज किया है, आप कोई भी पाइप इसमें यूज कर सकते हैं, बस साइज का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ऐसा करने के बाद दोस्तों आपको वायरिंग का काम फिनिश करना है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी डीसी बैटरी है, इसके एक सिरे को हम डीसी मोटर में अटैच कर देंगे और एक सिरे को ऑन ऑफ स्विच में और एक डायरेक्ट। तो अब टेस्टिंग के लिए हमारा प्रोजेक्ट तैयार है, और एक डिस्पोजल ग्लास को मैंने यहाँ पे आधा कट कर लिया है। इसमें हम पानी डाल देंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारा वाटर पंप काम करता है या नहीं। तो दोस्तों, आर यू रेडी? हाँ, एक बार आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको ये फील करना पड़ेगा।